लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को लेकर भारतीय रेल संजीदा दिखा और इस ही क्रम में उत्तर प्रदेश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कानपुर का गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन हो गया। रेलवे के इस प्रयास की चारों ओर सराहना हो रही है। वहीं इस रेलवे स्टेशन पर NCR रेलवे इलाहाबाद मंडल के GM MC चौहान ने महिला संचालित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान जो अनियमितताएं पाई गई उनको जल्द निस्तारित करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 493 करोड़ की लागत से इलाहाबाद से बमरौली तक फ्लाईओवर के साथ साथ 4 लेन रेलवे ट्रैक भी प्रस्तावित हुआ है। सुरक्षा को भी बड़ा मुद्दा बताते हुए रेलवे स्टेशन में हाईटेक CCTV कैमरे लगाकर मंडल मुख्यालय इलाहाबाद से मॉनिटरिंग की भी बात कही। रेलवे को लेके देखिए, समय बड़ी योजना यहाँ चल रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें खुर्जा भावपुर फर्स्ट फेज में ये नंबर 2018 में कमीशन हो जाएगा और पूरा हमारा 50% जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है हमारी रेलवे पड़ता है, तो ये भी नेक्स्ट 1.5 ईयर में कमीशन हो जाएगा। तो इससे काफ़ी हमारा जो कंजेशन है इस रूट पे गाजियाबाद से मुगलसराय 150% लाइन कैपेसिटी ऑपरेट है, तो इसमें डिकंजेशन होगा और हम मेल एक्सप्रेस ट्रेन की पंक्चुअलिटी में काफ़ी टेमेंडेस इम्प्रूवमेंट होगा, प्लस उसके अलावा हम और ज़्यादा मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला सकते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे जंक्शन पॉइंट में कंजेशन है उसको ईज आउट करने के लिए फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं। कानपुर फ्लाई ओवर वर्क सेंक्शन हुआ है, इटावा फ्लाई ओवर वर्क सेंक्शन हुआ है, देन दूसरा अभी इलाहाबाद से बमरौली 4th लाइन का वर्क विथ फ्लाई ओवर एट सूबेदारगंज एट द कॉस्ट ऑफ 493 करोड़ अभी जो 1 फरवरी को बजट आया उसमें सेंक्शन हुआ है। देन रूमा चकेरी चंदेरी 3rd लाइन, देन उस साइड में हमारा चिपियाना बुजुर्ग से दादरी तक 4th लाइन सेंक्शन हुआ है। तो ये सब जो योजनाएं चल रहे हैं डिकंजेस्ट करने के लिए और बेटर पैसेंजर सर्विस। हाँ जी, उसको महिला घोषित किया गया है, बिल्कुल तमाम यहाँ पर निमित्ताएं हैं, ना टॉयलेट है, GRP में कब्जा रहता है। देखिए वो अभी DRM साहब ने बताया एक महीने के अंदर ये सब व्यवस्था की जाएगी, टॉयलेट्स वगैरह बनाई जाएंगी और उसमें GRP का भी लेडीज का एक पूरा पोस्ट होगा, सो दैट एंड CCTV लगाए गए हैं सो दैट, और ये CCTV IP बेस्ड प्रोटोकॉल पे है, इलाहाबाद कंट्रोल में बैठ के इनको दे सकते हैं कि क्या हो रहा है, सो दैट देयर वुड बी क्लोज मॉनिटरिंग फॉर सिक्योरिटी। सर कहीं कहीं ये नहीं लगता है कि जो है जब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी उसके बाद बावजूद जो है महिला ये महिला टॉयलेट नहीं है उसके बावजूद महिला स्टेशन को सर महिला का टॉयलेट अभी हम लोगों ने जो हमारा एक विश्रामालय बना हुआ है बगल में ये उसमें वो उनको दे दिया गया और एडिशन करेंगे यहाँ पे और एडिशन करेंगे। ठीक है, जो अभी टॉयलेट है उनको यूज करने के लिए दे दिया गया है, उसके अलावा हम और एडिशनल टॉयलेट्स बना रहे हैं। सर जितने भी स्टेशन सेंटर चाहे गोविंदपुरी हो जो अवैध वेंडर्स है कब्जा रहता है। देखिए इलीगल वेंडर्स के लिए बार बार ड्राइव चलाई जा रही है और उसमें समय ज़्यादा जो है पब्लिक से भी अनुरोध है, आप लोग भी मीडिया से कीजिए, बाहर क्या होता है अगर कोई गलत सामान बेच रहा है तो वो नहीं ख़रीदा जाता है, तो अगर लोग अनऑथराइज वेंडिंग से सामान खरीदना पड़ रहे हैं तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। बट हम लोग इस बार 66,000 अनऑथराइज वेंडर्स पकड़े गए हैं, उनका जो भी एक्शन लेना है फाइन्स किया गया है, चालान किया गया है। सर जो रेलवे में जो यात्री सफ़र करने आते हैं अपना वाहन खड़े करते हैं उनसे जो कई गुना शुल्क वसूला जाता है, देखिए ये DRM साहब के संज्ञान में लाया जाए, हमारे संज्ञान में लाया जाए, देन स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दोज, अगर कोई कर रहा है तो दिस इज हाई। कानपुर से TeamTV30 India के साथ अवैध ठाकुर की रिपोर्ट। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजें हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार, हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर, और साथ ही TV30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के YouTube चैनल TV30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।